शिवपुरी जिले में आए दिन बगैर हेलमेट लगाए वाहन चलाने वाले लोगों के एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से गंभीर चोट आने के कारण कई लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के नेतृत्व में यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने शहर में हेलमेट जागरूकता रैली निकाली। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो MM हॉस्पिटल से निकलकर अस्पताल चौराहा होते हुए कोर्ट रोड माधव चौक पर रुककर सभी बगैर हेलमेट चलाने वाले लोगों को रोककर यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव और TI सुनील खेमरिया, फिजिकल थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी एवं हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने की शपथ भी दिलाई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। शासन का ना प्रशासन का, कोई भी प्रशासन शासन ये नहीं चाहता कि वो आपको परेशान करे। एक मकसद होता है जिसके पीछे आप लोगों को कभी कभी लगता है कि हम लोग परेशान करते हैं। हमारा मकसद है आपकी जान बचाना। जब आप लोग रहेंगे तभी ये समाज रहेगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सब लोग काम करेंगे। कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कहीं ना कहीं समाज को आप लोगों से बहुत कुछ मिलने वाला। अब क्या होता है कि सबसे पहले जैसे आप घर से निकलते हो तो आप घर से तो निकलना ही पड़ेगा किसी ना किसी काम से। काम से जाने से घर से या तो आप पैदल जाओगे या आप मोटरसाइकिल से जाओगे या आप कार से जाओगे। मतलब तो पैदल जाओगे तब भी वो ट्रैफिक रूल्स हैं, या तक नियम है उनका फॉलो करना होता है। जैसा पैदल वाले के लिए क्या रहता है एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट से लगातार निर्देश आते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए अपने को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करनी है। मैं हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा आदेशित करके सप्ताह यातायात जागरूकता के लिए सप्ताह 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का करने का निर्देश दिए हैं। उसमें आज ही हमने देखा कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जब से हाईवे बन गया है तो स्पीड बढ़ गई है, और उसकी वजह से जब एक्सीडेंट होता है और अगर हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं तो टू व्हीलर्स वाला व्यक्ति जो है ज़्यादातर फेटल होता है। इसके लिए और कई बार असामयिक मृत्यु का शिकार होता है, जिससे उसके पूरे परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है। अतः आज ये एक पुलिस वालों का जो खुद का चलाना है वो हेलमेट से चलाएँ, इसके लिए भी इनको बताया गया है। और आज एक रैली निकाली गई है, इसमें जागरूकता कराने के लिए शहर में जाएंगे, रैली निकालेंगे और इसके बाद माधव चौक पे कि शपथ भी हेलमेट लगाने के लेंगे और लोगों से जो टू व्हीलर चलाते हैं उनसे भी लेवा। कितने दिन चलेगा ये भी? साथ ही चलेगा अलग अलग टाइप का जागरूकता रैली है, जिसमें हमने ये देखा कि सड़क दुर्घटनाओं में कई सारे लोग एकदम मौके पर हमारी मदद करते हैं। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सेमेरिटन्स का भी करेंगे हम, और इसके अलावा जो ब्लैक स्पॉट्स वाले पॉइंट्स हैं उनको भी विजिट करके वहाँ पर भी आसपास के लोगों जागरूकता की बात की जाएगी। साथ में ड्राइवर्स जो हैवी व्हीकल चलाते हैं उनके आई कैंप वगैरह भी कराए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।